स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू क्लास 9th ऑनलाइन क्लास सेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड द न्यू चैप्टर इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इन हिस्ट्री द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। See, the French Revolution had a great impact on societies, on the whole world. बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा French Revolution का। Ideas of freedom, liberty, equality actually had broadened throughout the world. Everybody start means imagining of such type of society where every individual has possibilities, opportunities, राइट्स एंड अदर्स थिंग्स। तो जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था इंडिया, इन इंडिया ऑल्सो एट द लास्ट टॉपिक इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन आई हैव टॉट दैट इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड अदर पीपल ऑल्सो वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सी द सोसाइटी ऑफ यूरोप, इफ वी टॉक अबाउट द सोसाइटी ऑफ यूरोप वॉज क्वाइट कंजर्वेटिव एंड चर्च डोमिनेटेड सोसाइटी इट वॉज। चर्च इतना पावरफुल था वहाँ पे कि कई बार ऐसा होता था कि किंग को भी उस चर्च के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता था, मानना होता था। इस तरह से शक्तिशाली चर्च था। और ऑब्वियसली मोनार्क जो था वो एब्सोल्यूट पावर में होता था यूरोप में, जहाँ पे भी। फ्रांस में तो हट गया था मोनार्कियल सिस्टम, लेकिन यूरोप के जो अदर कंट्रीज थी वहाँ पे भी मोनार्कियल सिस्टम था। और मोनार्कियल सिस्टम जो है एब्सोल्यूट पावर में होता था, माने आप ऐसे कह लो कि सारी शक्तियाँ निहित होती थी एक व्यक्ति के हाथ में। तो ये जो चेंज था, अब यहाँ से हुआ क्या, एक एरा आया द एज ऑफ सोशल चेंज। चूँकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या लाया, एक ऐसा एज लाया जो सामाजिक बदलाव का दौर आया। उन्हीं आइडियाज़ के वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे, क्या जो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीडम और इक्वालिटी, इसकी डिबेट होने लगी पूरे यूरोप में। चूंकि जनता परेशान थी चर्च के एकाधिकार के वजह से, मोनार्क या किंग के एब्सोल्यूट पावर्स के वजह से, तो धीरे धीरे जब कोई चीज़ एक देश में कोई मूवमेंट चलता है तो ज़रूर ऐसा होता है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर भी आता है। और एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन का हुआ भी यही कि उससे सटे हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो सभी वो डिबेट करने लगे आपस में कि किस तरीके से हम भी इस तरीके के एक प्लेटफॉर्म पर आएं और सोशल चेंज करें। अब जो सोशल चेंज आया उसमें बेसिकली जो सोसाइटी थी उसमें, यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें से तीन तरीके के लोग थे, मीन्स सोच वाले लोग या आइडियोलॉजीज़ के लोग। तो ये जो तीन आइडियोलॉजीज़ थी वो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको एक तो रशियन रेवोल्यूशन या इसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ अभी, और आज मैं आपको लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में ही सिर्फ पढ़ाऊँगा। ये इसलिए भी क्योंकि ये हिस्ट्री है तो बेसिकली लाइंस को ही इलेबोरेट करना होता है और आपको सही पॉइंट को बताना होता है। पॉइंट वाइज आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होते जाए, आपके नोट्स पॉइंट वाइज बने, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, चूँकि स्टोरी टाइप में चलता है और थोड़ी लेंदी भी होती है स्टोरी, तो दैट इज़ हिस्ट्री। तो इसलिए हमें पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज या टॉपिक वाइज इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए। और आज तीन टॉपिक सिर्फ इसलिए भी छोड़ रहा हूँ कि आप NCERT से या जो भी साइड बुक आपके पास है या वॉट एवर द बुक यू आर हैविंग राइट नाउ, आप उससे आराम से एक बार रीड आउट भी जब कर लेंगे तो जब एक्सप्लेनेशन होगी तो वो थोड़ा और जल्दी समझ में आएगी। और जो नाम है अभी जिन बच्चों ने कमेंट किए थे वो लास्ट में अभी जब लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स एक्सप्लेन कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। अब जो लिबरल्स थे, सबसे पहले आ जाएं अपने टॉपिक पे ही हम लोग सीधे, कि लिबरल्स कौन थे और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। लिबरल्स वो ग्रुप था सोसाइटी का विच लुक टू चेंज द सोसाइटी, जो चाहते थे सोसाइटी में चेंज करने का। कोशिश आप भी करिएगा कि अगर आप हिस्ट्री के स्पेशली मैटर्स को, चूंकि पॉलिटिकल साइंस का मैटर ऑलरेडी पॉइंट वाइज होता है, पॉलिटिकल साइंस से हम काफ़ी फेमिलियर भी होते हैं, डे टू डे पॉलिटिक्स की चीज़ें, गवर्नमेंट की चीज़ें, उनके फंक्शंस हमें दिखते भी हैं एक्चुअली। तो जब कोई चीज़ दिखती है, होती रह रही है, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पास्ट,
तो यहाँ इसको समझने के लिए या इसको प्रॉपर, जैसे आप कहते हैं कई लोग कि याद कैसे करें, तो अगर आप भी पॉइंट्स में अगर उसको आप बांट लेंगे तो इट विल बी मच कन्वीनियंट फॉर यू। और चाहे वो पेजेस में चैप्टर कितना भी बड़ा हो, आप पॉइंट वाइज जब उसको आप अरेंज कर लेंगे तो इट विल बिकम वेरी मच ईजियर फॉर यू। तो जैसे मैंने किया कि फर्स्ट पॉइंट, लिबरल्स वॉज द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विच लुक टू चेंज द सोसाइटी, जो समाज में बदलाव चाहते थे। क्या क्या बदलाव चाहते थे, क्या फीचर्स थे इनके बदलाव में? दे वॉन्टेड अ नेशन विच सपोर्ट्स ऑल रिलीजन। ये चाहते थे कि जो लिबरल्स जो थे चाहते थे कि देश ऐसा हो जो सभी धर्मों को पूरे तौर पे सम्मान दे और सभी को सपोर्ट करे। क्योंकि एक छोटी सी टॉपिक पढ़ दूँ क्यों ऐसा कह रहे थे, एक्चुअली ऐसा था कि ऑस्ट्रिया और स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च को करते थे, वाइल ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो चर्चेज में भी कई लॉबीज थी या उनके मानने वाले लोग थे, तो इसलिए ये चाहते थे कि एक कि किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो जिस देश में जो रह रहा हो, वो नेशन से रिप्रेजेंट हो, रिलीजन से ना रिप्रेजेंट हो। मीन्स धर्म के आधार पर ना व्यक्ति की पहचान हो, देश के या उसके नागरिकता या राष्ट्रीयता के आधार पर पहचान हो। सेकेंड, दे अपोज्ड अनरिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्च। अपोज्ड, विरोध करते थे किस चीज़ का, जो एब्सोल्यूट पावर किंग के पास होती थी उसको ये अपोज करते थे। इनका ये मानना था कि राजा के पास सर्वाधिकार में सारी शक्तियाँ एक साथ निहित नहीं होनी चाहिए, और जब एब्सोल्यूट पावर होगा तो क्या होगा, राजा मनमानी करने लगेगा। वो क्या करेगा, अपने डिसीजंस खुद ले लेगा और उसके आगे पीछे क्या आना है इससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो एक ये पार्ट था जो अपोज करते थे अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना किसी रोक टोक के एब्सोल्यूट पावर का। आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कोरिलेट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट करते थे कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हो, जैसे आज होता है, आज हम अपना कोई भी जो नेता चुनते हैं, विधायक या सांसद जिसको हम MLA या MP कहते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, संसद होती है, जहाँ पे चाहे वो सत्ता पक्ष मीन्स रूलिंग पार्टी या विपक्ष जिसको अपोजिशन कहते हैं, सब बैठते हैं। तो ये यहाँ तक तो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन देवर नॉट डेमोक्रेट्स, ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना, देवर नॉट डेमोक्रेट्स मीन्स पूरे तौर पे, लेकिन ये पॉइंट तो ये इंडिकेट करता है कि डेमोक्रेसी में फेवर करते थे। लेकिन नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि देवर नॉट डेमोक्रेट्स, वाई देवर नॉट डेमोक्रेट्स, बिकॉज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, वेन एनी सिटीजन ऑफ एज 18 और अबव हैज़ द राइट टू वोट। कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, कोई भी रोक टोक ना हो, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार मिला। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये सिर्फ चाहते थे वोटिंग ओनली फॉर मैन, सिर्फ मैन को, वुमेन को वोटिंग राइट्स के फेवर में ये नहीं थे। तो ये प्रूव करता है कि ये डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो ये चाहते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी चाहते थे, लेकिन ये वोटिंग राइट सिर्फ पुरुषों के लिए, मेंस के लिए ही चाहते थे, इसलिए दे वर नॉट डेमोक्रेट। नाउ रेडिकल्स, तो रेडिकल्स वॉज द ग्रुप ऑफ सोसाइटी मीन्स देयर आइडियोलॉजी, पॉइंट वाइज अगेन आई हैव गिवन, कंजर्वेटिव ऑल्सो आई हैव गिवन। Their ideology was that they supported women's rights and organized suffragette movements. तो इसका मतलब सीधा सा निकल के चला आया कि वुमेन्स को सपोर्ट करते थे, वुमेन्स के राइट्स के, वुमेन्स के अधिकारों को सपोर्ट करते थे, और सफ्रजेट मूवमेंट मीन्स वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले, वुमेन्स वोटिंग राइट को ये सपोर्ट करते थे। मैंने इनका मानना था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो लिबरल्स नहीं चाहते थे। तो पहला पॉइंट तो रेडिकल्स का ये हो गया कि ये वुमेन्स के राइट्स को सपोर्ट करते थे, वुमेन्स के वोटिंग राइट्स को सपोर्ट करते थे, उसी को हम सफ्रजेट मूवमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दे वॉन्टेड गवर्नमेंट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, मैंने देश की जनता बहुमत से जिसको जिताए, मेजॉरिटी मीन्स बहुमत मीन्स मैक्सिमम लोग जिसको चाह रहे हैं,
इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, चूंकि ये वुमेन्स के राइट को सपोर्ट करते थे, तो ऑब्वियसली देयर सेंस वॉज दैट होल ऑफ द कंट्री जिसको मेजॉरिटी से चुनती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे और वो सरकार चलाए, गवर्नमेंट को रन करे। देन दे अपोज्ड, ये तो सपोर्ट करने वाली बात हो गई, या चाहते क्या थे, विरोध किस चीज़ का करते थे ये, वॉट दे अपोज्ड वॉज प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी लैंड ओनर्स। वेल्दी लैंड ओनर्स के जो सभरान, जो भरे पूरे जो लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, इस जमींदारी प्रथा का ये विरोध करते थे। तो ये हो गया रेडिकल्स के बारे में। देन कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया रूढ़िवादी, मीन्स पुरानी सोच का, या पुरानी सोच को या मान्यताओं को मानने वाला, इसको आप कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि पुरानी सोच है, तो जो ये लोग नया नया चाह रहे थे उसको वो अपोज, देखिए यहाँ ज़्यादा वर्ड अपोज आया है, तो अपोज्ड व्यूज ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, मतलब पहला चीज़ जो इनकी आइडियोलॉजी थी कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स कह रहे हैं वो नहीं सही है, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, जैसे राजा है उसी के पास सारे अधिकार हैं वो रहने चाहिए, चर्च है चर्च के पास बहुत से अधिकार हैं वो रहने चाहिए, तो ये पुरानी सोच के थे इसीलिए कंजर्वेटिव नाम ही इनका पड़ा। अच्छा, उसके बाद से अपोज्ड आइडिया ऑफ चेंज, ये किसी बदलाव के फेवर में नहीं होते थे, ये चाहते थे कि जैसे पुरानी चीज़ें यथावत, मीन्स एज एग्जिस्टेंस में हैं, दे शुड रिमेन इन द सेम मैनर। लेकिन 19th सेंचुरी तक जाते जाते इनको रियलाइज हुआ कि अब जैसे समाज बढ़ रहा था, समाज एडवांस होते जा रहा था, आसपास के देश या वहाँ का माहौल या राजनीतिक जो वो था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो रहा था, तो 19th सेंचुरी तक जाते जाते इनको ये रियलाइज हुआ कि सम चेंजेस वॉज नेसेसरी, कुछ बदलाव ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ ये वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से पीछे रह जाएंगे। अब जैसे सपोज करो कोई कंट्री अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही है और ये बोले नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें कंट्री का घाटा है, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी तो आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, मैन पावर बेकार जाएगा, वेस्टेज जाएगा मैन पावर का जो है, तो रिसोर्सेज यूजलेस हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो 19th सेंचुरी तक जाते जाते इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि सम चेंजेस आर नेसेसरी, सभी नहीं, सम चेंजेस, कुछ बदलाव होने चाहिए जो देश के हित में हो। तो ये एक चीज़ जहाँ पे थोड़ी सी फेवरेबल आई, लेकिन बट बिलीव दैट पास्ट वॉज टू बी रेस्पेक्टेड, लेकिन वो जो चेंज हो, जो सम चेंजेस को ये बात कह रहे थे, वो ऐसा ना हो कि पूरी तरह से नया एकदम समाज आ जाए और सारी नई मान्यताएं आ जाएं, पुरानी मान्यताओं को भी रेस्पेक्ट मिलते रहे और कुछ जो ज़रूरी बदलाव है हो जाए, ये कंजर्वेटिव का आइडियोलॉजी था। तो आज के ये तीन टॉपिक थे, एज ऑफ सोशल चेंज एक मेन टॉपिक जो इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद से आपका लिबरल्स रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, आपको लिबरल्स की कोई एक पॉइंट जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, अब इस समय बोर्ड पे है नहीं पहले है, सॉरी, उन लिबरल्स के किसी एक पॉइंट को आपको डिफाइन करना है, व्हाट दे वांटेड, यही आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और अब मैं आपको नाम बता देता हूँ कि किन बच्चों ने पिछले वीडियो पे कमेंट किया। सो नाउ द नेम अनाउंसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पार्ट 4। फर्स्ट टू कमेंट इज युवराज पाल सिंह, देन वी हैव निखिल सिंह, देन ये ट्रिक्स करके कोई आईडी है भाई, ये मैं जान नहीं पाता हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन खैर पूछते हैं, ये जो कोई भी हैं यू आर मोस्ट वेलकम। अंशिका त्रिपाठी, देन शशांक त्रिपाठी, आविष्कार मिश्रा, अपर्णा शुक्ला, राज पांडे, श्रेयांशी, प्रथा ओझा, देन अनामिका चौहान, यशी द्विवेदी, अन्नपूर्णा, हर्ष तिवारी, खुशी सिंह, अक्षांश अमन, दीज वर द स्टूडेंट दोज हु हैव कमेंटेड। तो लॉट ऑफ थैंक्स कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, वर्क भी प्रॉपर टाइम पे आप सबमिट करते रहो और पढ़ाई करते रहो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।